हेलो व्यूवर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और पीआरडी एडमिशन के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आ रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से। जानेंगे कैसे अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, नंबर ऑफ वैकेंसी शीट कितनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, बात करेंगे डिटेल्स में। इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन सन 2021-22 के लिए आवेदन पत्र निकाले गए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी, यहाँ पे जो आपकी सीट्स हैं वो 245 हैं। 245 सीट्स के लिए आवेदन पत्र निकाले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी आपका अगर ये फाइनल सेमेस्टर है या फिर आप फाइनल ईयर के छात्र हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। ये आपके लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन करने का। इसके अलावा अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम टाइम ये होता है कि उसमें नेट कंपलसरी मांगा जाता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बेहतरीन मौका है, आप यहाँ पे जरूर आवेदन कीजिए। इसके अलावा हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में, किस स्टेट में यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हम देखेंगे। एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर इसका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे और इसके फीस डिटेल्स क्या है पीएचडी की उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। इससे पहले दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप कर जाएं, जिससे यहाँ पे आपको अप्लाई करने में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी और आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भर देंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, बात करेंगे यहाँ पे हम नंबर ऑफ वैकेंसी शीट के बारे में। तो दोस्तों, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पहले से मैं डाउनलोड कर रखे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ऑफिशियल साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम पहले बात करेंगे आपकी जो सीट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में, देन डिस्कस करेंगे आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे मेंशन कर दी गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे बताया गया, तो क्वालिफिकेशन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार जो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसका सिलेबस भी मेंशन किया गया है, तो सिलेबस भी हम अभी देख लेंगे। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में और वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो एनवायरमेंटल साइंस उसमें 6 वैकेंसी हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 9 है, जूलॉजी में आपकी 18 है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज में आपकी 10 है, फूड एंड न्यूट्रिशन में आपकी 11 सीट्स हैं, सोशोलॉजी में आप 8 सीट्स के लिए आवेदन करेंगे। वहीं पे हिस्ट्री में आप 10 सीट्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस में 7, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 7, इकोनॉमिक्स में 16, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में 5, कंप्यूटर साइंस में 19, मैनेजमेंट में आपकी 6 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में दोस्तों आप 7 सीट्स के लिए आवेदन करेंगे, मैथमेटिक्स में आपकी 6 हैं, फिजिक्स में आपकी 9 हैं और स्टैटिस्टिक्स में आपकी 13 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। एजुकेशन में 10, हॉर्टिकल्चर में 9, फार्मास्यूटिकल साइंस में 3, मास कम्युनिकेशन में 3, ह्यूमन राइट्स में आपकी 3 सीट्स हैं, लॉ में आपकी 12 हैं, हिंदी में आपकी 10 हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी 14 सीट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में 14 सीट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी कैटेगरी के अनुसार सीट्स मेंशन कर दी गई हैं, यहाँ पे टोटल सीट्स आपकी 245 हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस रहेगा वो दोस्तों आपका यूजीसी नेट या सीएसआई नेट का जो सिलेबस रहता है वही दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके पहले हम देख लेंगे यहाँ पे आपकी जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनको। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो एलाइड सब्जेक्ट हैं यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। एलाइड बेसिकली सब्जेक्ट आपकी वो होते हैं जैसे यहाँ पे आपके एनवायरमेंटल साइंस में आप पीएचडी करना चाहते हैं, एनवायरमेंटल साइंस से नहीं किया है, आपने अपना पीजी एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री, अर्थ साइंस, जियोग्राफी और जियोफिजिक्स से अगर आपने अपना पीजी किया है तो आप एनवायरमेंटल साइंस के लिए अपना पीजी पीएचडी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये एलाइड सब्जेक्ट हैं, यानी उससे संबंधित जो आपकी सब्जेक्ट रहती हैं उनको एलाइड सब्जेक्ट यहाँ पे कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी एलाइड सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। इसके अलावा चलेंगे दोस्तों ऊपर और बात करेंगे यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, जो आपकी यूनिवर्सिटी है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र निकाले गए हैं। आपको ये यहाँ पे जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है वो 14/2022 को पब्लिश किया गया, यानी कल ही आपका नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है कल रिलीज किया गया है और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे आज से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे 15 फरवरी 2022 से। इसके अलावा यहाँ पे जिसकी लास्ट डेट है वो 6 मार्च 2022 है, इससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा अपनी फीस सबमिट करने का, यानी एप्लीकेशन फीस जो है वो आप 8 मार्च 2022 तक अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे।
इसके लिए नीचे चलेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में। दोस्तों हम पहले देख लेंगे यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके मेंशन किए गए हैं, 11 नंबर पेज पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपना रेगुलेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। नीचे चलेंगे, बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी उसके बारे में। तो यहाँ ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 10% रिजर्वेशन दिया गया EWS के लिए, वहीं पे यहाँ पे 50% जो सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इसको अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे अगर आप ओपन कैटेगरी यानी OBC, EWS या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में पे करनी पड़ेगी। नीचे चलेंगे, यहाँ पे आपकी मैंने जो सीट्स हैं अवेलेबल हैं उनकी मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। इसके लिए नीचे चलेंगे, बात कर लेंगे यहाँ पे आपकी जो PhD की फीस है उसके बारे में। देन यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी PhD की फीस डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं, इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। काफ़ी कम फीस यहाँ पे PhD में आपको पे करनी पड़ेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी कम फीस आपको पे करनी पड़ती है। और इसके अलावा यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको स्टेट यूनिवर्सिटी की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई, आप इसे देख सकते हैं, रूल एंड रेगुलेशन आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने अपना PG मिनिमम 55% मार्क के साथ कंप्लीट कर लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर्स हैं या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% का यहाँ पे छूट मिलने वाली। इसके अलावा यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपेयरिंग है अप्लाई करने के लिए, ये आप यहाँ पे दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी मेंशन किया गया है कि जब आप यहाँ पे PhD में रजिस्ट्रेशन अपना कराएं तो उस समय आपके पास जो फाइनल की मार्कशीट है वो हो जानी चाहिए, यानी आपके फाइनल का रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर सकते अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं। और यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग परमानेंट फैकल्टी के लिए यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए गए, तो अगर आप वहाँ के कैंडिडेट्स हैं तो आप इस पॉइंट को रीड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे आपकी रिफंडेबल नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, यानी एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपके दो सेक्शन है, एक तो यहाँ पे सेक्शन ए जिसमें आपका एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, सेक्शन बी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे UGC नेट JRF क्वालिफाई हैं तो आपको काफ़ी वेटेज मिलने वाला है, उसके बारे में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों आपका एक पेपर होगा जिसमें 50% क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे, 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके अलावा आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़े, मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप SC ST या फिर PWD या यहाँ पे OBC के नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आपको 45% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके लिए चलेंगे दोस्तों इसके दूसरे रेगुलेशन पे, बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो वेटेज है उसके बारे में। तो दोस्तों जो इसका दूसरा रेगुलेशन है पहले से मैं डाउनलोड कर रखा है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे इसे अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे आपके एग्जाम की बात की गई, हम बात करेंगे यहाँ पे अनदर 30 मार्क्स। ये दोस्तों यहाँ पे अनदर 30 मार्क्स की बात की गई है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट, UGC, CSIR, ICAR ये यहाँ पे एग्जाम दिए गए, अगर आप इनमें से एग्जाम कोई क्वालिफाई कर रखे हैं और उसका अगर आपके पास JRF है यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप है तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने MPhil प्लस नेट क्वालिफाई हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप MPhil और या फिर नेट क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे 3 सेक्शन बनाए गए हैं, जैसे 10 आपके ये हो जाएंगे अगर आप JRF हैं, MPhil हैं, नेट हैं या फिर सिर्फ नेट हैं, तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स में ये नंबर मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे आपके जो अनदर 20 मार्क्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर बी में मेंशन किया गया कि आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स आप मिलेंगे जो आपका फाइनल परसेंटेज है आप बैचलर डिग्री का, और 3 मार्क्स मिलेंगे आपकी मास्टर डिग्री के। तो यहाँ पे 5 मार्क्स आपको ये मिल जाएंगे, यानी आपके हो गए टोटल यहाँ पे 15 मार्क्स। इसके अलावा यहाँ पे 15 नंबर का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे आपके टॉपिक भी मेंशन किए गए हैं, तो आपसे इन पर संबंधित वॉइस वाइबा यानी आपसे उस वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। ये यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे ये टॉपिक दिए गए हैं आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपका वेटेज बनेगा यहाँ पे 70 और 30 का वेटेज बनेगा, यानी 70% मार्क्स आपके जो एंट्रेंस एग्जाम के होंगे और 30% मार्क्स आपके यहाँ पे ABC यानी जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, जैसे यहाँ पे JRF हो गया आपका और UG के या PG के मार्क्स हो गए और इंटरव्यू के यहाँ पे, तो यानी आपके 30 मार्क्स इससे 30% यहाँ पे ऐड किया जाएगा और 70% आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उससे ऐड किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम अच्छा करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है आपके सिलेक्ट होने। इसके लिए दोस्तों हम चलेंगे इससे फिर से जो आपका पहला नोटिफिकेशन उसे देखेंगे, तो वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये बताया गया, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे फोटो साइज भी बताया गया तो आप उन्हें देख लीजिएगा।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आपके जवाब भी दिए गए हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं और यहाँ पे अपने जो क्वेरी है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलो नीचे चलेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए तो आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। फोटो साइज की यहाँ पे बात फिर से की गई तो लेकिन आप इसे रीड कर लीजिएगा। प्रोविडेड मटेरियल की बात की गई इसे आप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज के बारे में बात की गई तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिसियल साइट पे, कैसे अप्लाई करना है उसे हम देखेंगे। तो दोस्तों इसका जो ऑफिसियल साइट है पहले से मैंने ओपन कर रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप यहाँ पे आएंगे इसी के होम पेज पे, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, लेटेस्ट न्यूज में आपके पीएचडी एडमिशन 2021-22 करके यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ से जो आपका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर देंगे, इन पर आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो आप बात करेंगे आपके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म का दोस्तों कोई भी पेज अपडेट नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पे कोई लिंक अपडेट होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है और यहाँ पे पीएचडी करने में इंटरेस्टेड है तो दोस्तों आप यहाँ पे जरूर आवेदन कीजिए। इससे पहले दोस्तों आप जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसे आप जरूर रीड कर लीजिएगा, तभी आप यहाँ पे आवेदन करिएगा। इसके साथ ही अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी पीएचडी की जानकारी थी और उम्मीद करूंगा यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे एक अन्य पीएचडी की जानकारी लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।